नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंट्रोल। जिले में 6 और नए कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की पुष्टि हुई है, जिनमें एक ही परिवार के 4 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं, जिनमें 2 व्यक्तियों की उम्र 35 वर्ष के लगभग है, बाकी 2 बच्चों की उम्र 15 वर्ष और 18 वर्ष है। ये सभी लोग उत्तर प्रदेश बलिया जिले के बताए जा रहे हैं। जिले में ही 2 और लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जो एक जयंत क्षेत्र का रहने वाला है जिसकी उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है। अन्य एक व्यक्ति विंध्यनगर क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है जिसकी उम्र 36 वर्ष बताई जा रही है। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री एक व्यक्ति की आंध्र प्रदेश हैदराबाद बताई जा रही है, दूसरे व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री जिले से बाहर की बताई जा रही है। जिन क्षेत्रों में ये सभी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिले हैं उन क्षेत्रों को कलेक्टर द्वारा कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है और उन क्षेत्र में सतत कड़ी निगरानी रखी जा रही है। क्षेत्र में किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है। सभी कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को जिले में बनाए गए कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया है। सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने निर्देश दिए हैं कि जिले में कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है वो जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए सेंटर में अपनी जांच कराएगा और 15 दिन क्वारंटाइन रहेगा। सभी को शासन प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी गाइडलाइन के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। यदि कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। कल सिंगरौली जिले में 6 नवीन केस प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4 केसेस एक ही फैमिली के सदस्य हैं। 2 की उम्र लगभग 35 वर्ष के लगभग है और अन्य 2 सदस्य हैं उनकी उम्र 15 और 18 वर्ष की है। उनको क्वारंटाइन करते हुए कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री उत्तर प्रदेश की बताई जा रही है। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति जिसकी उम्र 35 वर्ष है, वो जयंत का रहने वाला है। जयंत जिस जगह पर वो निवास करता है उसके क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। जो अन्य केस है वो विंध्यनगर का रहने वाला है और उसकी उम्र 36 वर्ष है और उसकी ट्रैवल हिस्ट्री हैदराबाद से बताई जा रही है। इन सभी जो क्षेत्र हैं उनको कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है और इन सभी व्यक्तियों को जो कोविड केयर सेंटर्स हैं उनको वहां भर्ती कराया गया है। वर्तमान में जितने भी केसेस हमें प्राप्त हो रहे हैं उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो अन्य राज्यों से आ रही है। अतः सभी मैं सिंगरौली जिले के निवासियों से अनुरोध करता हूँ कि जितने भी लोग अपने यहाँ आपकी जान पहचान में बाहर से आ रहे हैं तो उनको हमने जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुरूप उन्हें सीधे जो कोविड केयर सेंटर्स पर जाकर अपना सैंपल कराना है और वहाँ से अनुमति मिलने के उपरांत ही अपने घर में जाकर होम क्वारंटाइन होना है। इन निर्देशों का कोई भी उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी